हरे कृष्णा। आज से रात की जो रीडिंग करेंगे हम वो कलेक्टिव रीडिंग रहेगी और सुबह की जो एनर्जी में देखेंगे हम वो पिक कार्ड रहेगा। तो ये चार डेक हैं। लव मैसेज एक ले लेंगे, टैरो के दो मैसेजेस, ओरेकल में से भी एक और लव डेक में से भी दो मैसेजेस। तो स्टार्ट कर देंगे, टैरो से दो मैसेजेस लेंगे। एक और ये दो। एक और ये होगा दो। एक और ये हो गए दो। एक लव मैसेज देख लेते हैं। ये रहा मैसेज, तो देखते रीडिंग क्या है। स्टार्ट करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है टू ऑफ वैंड्स का। फायर साइन हो सकता है आपका या उनका, तो आपकी तरफ अपने पैशन के साथ बढ़ना चाहते हैं लेकिन थोड़े से दुविधा में हैं, कश्मकश में है लगता है शायद है, बात कहूँ कि ना कहूँ, क्योंकि फीलिंग जो है वो इमोशनल नहीं है, पैशनेट है। पैशनेट यानी थोड़े से सेक्सुअल थॉट्स हो सकते हैं जो एक्सप्रेस करने का इनका मन है और वो चाहते हैं कि वो उनके दिल की बातें यानी कि पैशनेट और सेक्सुअल थॉट्स आप तक पहुँचे और इसलिए सोचा जा रहा है कि वो बात आपसे कहे या ना कहे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लाइटनिंग है, तो उनके दिल के अंदर ऐसा तूफान समझा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें ये बात कहना आपसे ज़रूरी लग रहा है और उस बात को आपसे कहने के बारे में सोचा जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आप देख रहे हैं ये कप आसमान की तरफ से उनकी तरफ आ रहा है, ऐसे वो सोच रहे हैं और उनके यहाँ पे जो तीन कप है उनकी तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, यानी कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है। ये कप रिप्रेजेंट करते हैं उनके दिल के प्यार को। यहाँ पे भी जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को, लेकिन वो चाहते हैं कि आपके तरफ से ये कप उन्हें ऑफर हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आसमान का कलर और यहाँ पे भी जो है, तो ऐसे आपकी तरफ से वो प्यार वो पाना चाहते हैं जो पाने की इनके दिल में चाहत है। आई विल बी वेटिंग फॉर टुमारो। शायद हर रोज़ ये पर्सन खुद को यही समझाता है कि मैं आज नहीं कल पक्का अपने दिल की बात कहूँगा या एक्सप्रेस करूँगा या करूँगी, और इसी वजह से हर दिन के ढलता हुआ सूरज को देख के वो अपने दिल से ये कह के उसे अलविदा करते हैं कि चलो दोस्त कोई बात नहीं, कल हम बात करेंगे फिर से अपने दिल के इमोशंस को लेके और अपने पर्सन के प्यार को लेके। लेकिन ये सूरज के साथ कनेक्टेड है, यानी कि क्लैरिटी तो है, ऐसा नहीं है कि डार्कनेस में फंसे हुए हैं। उन्हें दिल से पता है कि वो आपके बारे में डीप डाउन क्या सोचते हैं। जस्ट स्माइल। आपके बारे में सोच के भी इनके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है जो इनके लिए सच में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपके बारे में सोच के ही इनका दिल शायद बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगता है, खुश हो जाता है शायद, इसलिए वो स्माइल इनके चेहरे पे कोई भी नोटिस कर पाता है और ये खुद भी समझ जाते हैं कि ये इतने ज़्यादा खुश क्यों है, क्योंकि वो आपके बारे में सोचते रहते हैं।
फिजिकल डिस्टेंस। ऑलरेडी हमने देखा कि ये पर्सन आपके साथ अपने पैशनेट थॉट्स शेयर करना चाहता है क्योंकि उन्हें लगता है शायद आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस है। ये यही बताता है कि वो फिजिकल क्लोजनेस चाहते हैं आपके साथ और ये डिस्टेंस उनके लिए जल्द से जल्द कवर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे वो आपके पास रीच आउट होना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें ये पैशन आपके साथ शेयर करनी है और आपकी तरफ से भी जो प्यार उन्हें चाहिए वो तो उनके दिल की ख्वाहिश है ही। शायद उस प्यार को लेके भी वो यूनिवर्स के साथ कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। मतलब अकेले होते हुए भी शायद ये पर्सन वही सेंटेंस बोलते रहते हैं कि आई वॉन्ट दिस, और इसीलिए शायद इनके दिल में दिन ब दिन आपके लिए ये जो पैशन है वो इस हद तक बढ़ रहा है। हेट, शायद वो खुद से ही थोड़ी सी नफरत करने लगे हैं और ये प्यार है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो इस एनर्जी में भी महसूस कर रहे हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि कहीं आप उनसे हेट तो नहीं करती या करते। मतलब उन्हें लगता है कि अगर प्यार है तो उसमें फिजिकल डिस्टेंस का ना होना ही ज़रूरी है, और अगर आप दोनों के बीच में ये फिजिकल डिस्टेंस आ रहा है तो ये पर्सन जल्द से जल्द चाहते हैं ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच में से चला जाए। और ये फीलिंग भी उनके दिल में इसलिए आ रही है क्योंकि शायद वो खुद को ही भला बुरा कह रहे हैं, खुद के ऊपर भी थोड़ा सा गुस्सा निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है इतना भी अगर मैं नहीं कर सका अपने लिए तो मैंने किया क्या है। ऐसे ही थोड़े से एंग्री एनर्जी में भी ये पर्सन है। देखते उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। XOXO, इसका मतलब यही रहता है, हग्स एंड किसेस। आप गूगल पे चाहें तो भी सर्च कर सकते हैं। ये रहे वो मैजिकल वर्ड्स, और हग्स एंड किसेस ये मैसेज के ज़रिए भी वो आप तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन्हें रियल ज़रूरत है इस फिज़िकल क्लोजनेस की और इसीलिए शायद ये हग्स एंड किसेस को लेके वो काफ़ी ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं और इसीलिए शायद इतना ज़्यादा पैशन वो आपके लिए दिल में फील कर रहे हैं। लव ओरेकल में से भी एक कार्ड देख ही लेते हैं, थोड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत यहाँ पे महसूस हुई। Authenticity, let your truth be heard. तो ये कार्ड यही बताता है कि वो पर्सन आपके लिए दिल में जो भी सोचते हैं ये उनके दिल का सच है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने दिल के सच के ऊपर भी ध्यान देना है। यानी कि जब भी आपको लगे कि आपके पर्सन आपके साथ कुछ इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं या फिजिकली उनके दिल में कुछ है आपके लिए, तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुने, क्योंकि आपका दिल जो सच चाहता है, लेट योर ट्रूथ बी हर्ड, आपका सच भी उन्हें पता होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सामने वाला आपसे कुछ चाहता है इसलिए आप उसकी हर एक बात कबूल करें, आपको भी अपने सच को प्रायोरिटी देनी है और वही करना है जो आपका दिल चाहता है, और वही सच आपके पर्सन के सामने भी आपको रखना है, फिर चाहे जो कुछ भी हो रिश्ते में। तो ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।